जय हिंद दोस्तों, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला। दोस्तों आज का मेरा वीडियो प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा। दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। पहली चीज, कोरोना महामारी ख़त्म होने के बाद आप लोगों की ज़िंदगी वैसी नहीं रहने वाली है जैसे कि अभी तक हम लोग जीते आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में फासला रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा का हिस्सा होने वाली हैं। इसके बिना भी ट्रेनिंग जो है आगे नहीं हो पाएगी, यह बात आप ध्यान रखिएगा। देयरफॉर आपको वहाँ जाना है ट्रेनिंग के लिए जहाँ पे आपके रहने की अच्छी व्यवस्था हो, आप लोगों के अच्छे वॉशरूम्स हों, साफ़ हों। ऐसा नहीं कि आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर एक ही कमरे में 100-100 बच्चे, 50-50 बच्चे डाल दिए और जो है आप बजाय ट्रेनिंग करने के और आप पता लगे कुछ और बीमारी आप अपने साथ पाल लें। तो आपको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर इन चीज़ों का हो फासला हो आपस में और जो है ट्रेनिंग अच्छी होती हो। तो ये पहली चीज़ है। इसका पहला मकसद ये है कि मैं आपको इसके माध्यम से हमारी एकेडमी का लेआउट दिखाने वाला हूँ। कृपया साथ एंड तक बने रहिएगा। हमारी एकेडमी का के अंदर का और बाहर का पूरा डिटेल इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमारी एकेडमी में 3 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। आप आइए, 3 दिन के लिए हमारी एकेडमी में खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री है। आइए, तसल्ली कर लीजिए अपनी। एक बार तसल्ली हो जाती है तो आपने एडमिशन लेना है। एडमिशन का कुल खर्चा यदि आपने सिर्फ फिज़िकल की तैयारी करनी है तो है 7,500 रुपये महीना, और यदि आपने फिज़िकल और रिटन दोनों की तैयारी करनी है तो कुल खर्चा है 10,000 रुपये महीना। खाना पीना रहना सब शामिल है इसके अंदर। 3 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे अकेडमी का आप लेआउट देखिए, रहना सहना देखिए, बहुत ही उम्दा किस्म का है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दूसरी चीज़, मैं इससे पहले वीडियो का दूसरा हिस्सा स्टार्ट करूं, आपको बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूं कि इंडियन आर्मी में इस वक्त एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि एयरफोर्स और नेवी की तरह आपका रिटर्न एग्ज़ाम पहले होना, और मुझे ऐसा लगता है मेरी समझ के अनुसार जो ये टाइम है, इस टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि हम जो हैं एक पूरी प्रक्रिया में पूरा फेरबदल देखें जिसके अंदर हो सकता है कि हमारा रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी जो है पहले एग्ज़ाम पहले होने लगे। तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहनी है। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऑनलाइन वीडियोस चल रहे हैं, उनके माध्यम से आप जो है अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। होता है या नहीं होता है ये बात की बात है, लेकिन ऐसा एक थॉट प्रोसेस चल रहा है और ये बहुत जल्द इंप्लीमेंट होने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों के टाइम के अंदर भी चेंज होने वाले हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का टाइम जो है 5:15-5:30 तक हो जाएगा शायद। ये इस किस्म से जो है बातचीत चल रही है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको एंड तक जुड़े रहना है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे आने की तैयारी करें। मेरे नंबर 7063910231 व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी डिटेल मेरे को भेज सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं आपको आखिरी समय दोबारा आके मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको आपके वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला के वॉक अराउंड पे लेके चलूंगा। दोस्तों ये हमारी एकेडमी का लेआउट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आपको एकेडमी इस हिसाब से दिखाई देगी। ये यहाँ की एकेडमी का लेआउट है। ये हमारी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी इस वक्त, ये जो है हमारी मेन बिल्डिंग है। ये हमारी एकेडमी की एंट्रेंस है, और ये जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे चल रहा है ये जो है एक ओपन एयर ऑडिटोरियम है जिसको हम रूटीन में पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और कोई ना कोई फंक्शन होने पर उसको यहाँ पे हम मनाते हैं। ये अब आपके सामने जो बिल्डिंग है ये हमारी मेन ऑफिस है जहां पे हमारा जो है सारे रोजमर्रा के क्रियाकलाप, स्टाफ का काम, ऑफिस का काम, ये सब जो है हम इस बिल्डिंग के अंदर करते हैं। मैं आपको इस बिल्डिंग के एक अंदर थोड़ा वॉक अराउंड को लेके चलूंगा। अब जो है आप जब जो ही इस बिल्डिंग के गेट से अंदर जाएंगे आप एक लॉबी के अंदर दाखिल होंगे, और जहां पे जो है वेट अगर थोड़ी बहुत करनी पड़ती है किसी पेरेंट्स को या बच्चों को तो ये उनकी लॉबी है। और ये लेफ्ट साइड में जो है रिसेप्शन है, सबसे पहले आके जो है रिसेप्शन पे एंट्री होगी। ये रिसेप्शन है। ये ऑफिस एरिया जो आप देख रहे हैं ये मैनेजमेंट का ऑफिस है, जहां पे जो है मैनेजमेंट के ऑफिसर, स्टाफ और बाकी जो स्टाफर होता है यहाँ पे ऑफिस का, वो इस जगह पे होता है। एक आप जो है ये इसका स्टूडेंट से कोई एक्चुअली लेना देना नहीं है इस साइड से, लेकिन फिर भी ये आपको दिखाने के लिए है कि किस किस्म से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी का लेआउट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है आपको यहां से एक वॉक अराउंड पे लेके चलूंगा। तो आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग, और अब इसके साथ में ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, और साथ में जो है आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रेनिंग एरिया। ट्रैक है 400 मीटर का, बहुत ही खूबसूरती से लेआउट है।
बिल्कुल वेल प्लान है, अच्छे ट्रैक है, अच्छी क्वालिटी है इसकी, और इसके बीच में क्रिकेट पिच भी है जहां इसको अच्छे संडे के दौर में जो है आपस में क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। बहुत ही खूबसूरत लेड आउट हमारा ये ट्रैक है। ये बिल्डिंग जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, ये जो है हमारा हॉस्टल है बच्चों के लिए, जहां पे सब तरह की व्यवस्थाएं हैं। अभी हम थोड़ा सा जब आगे चलेंगे तो आपको अपना हॉस्टल के अंदर भी लेके जाएंगे और वहां का भी लेआउट हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये जहां पे आप ग्राउंड देख रहे हैं ये फुटबॉल ग्राउंड था। अब जो है हम आपको वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी के बॉयज हॉस्टल के अंदर लेकर के चल रहे हैं, और ये जो है ग्राउंड फ्लोर का कॉरिडोर में हम आपको लेके जाएंगे। ये कॉरिडोर है और इसके दाएं बाएं दोनों तरफ जो है आप देख रहे हैं कमरे, इन कमरों में 2 से 3 बच्चों के रहने की व्यवस्था है और साथ में ही अटैच वॉशरूम्स हैं, साफ सुथरे अटैच वॉशरूम्स हैं। ये है अब जो आपके सामने स्क्रीन पे जो चल रहा है वो है हमारा मेस एरिया, और जो है जहां पे हमारी शॉप्स हैं, जूस शॉप, स्टेशनरी शॉप और रिफ्रेशमेंट के लिए भी यहाँ पे शॉप है। ये हमारे यहाँ पे कैंटीन है और इसी बिल्डिंग में थोड़ा सा आगे जिम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है फ्री टाइम में आकर जो है अगर रिफ्रेशमेंट लेना हो और आपस में बातचीत करना हो तो काफी हैपनिंग जगह है। यहाँ पे बच्चे जो है काफी शाम के टाइम इकट्ठा होते हैं और आपस में खूब इधर उधर की बातें करते हैं। अब मैं आपको जो है लेके चलूंगा अपने कैंपस के मेस में, वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी अम्बाला के कैंपस का जो मेस है जहां पे खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वहां लेके चलूंगा। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे इस चल रहा है ये वो जगह है जहां पे आप लोग बैठ के, हमारा डाइनिंग हॉल और किचन है, पीछे की तरफ किचन है और आगे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, और इस तरीके से ये लेआउट है जहां पे कि आप जो है अपना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जो है यहाँ पे करेंगे। कमरे में ब्रेकफास्ट लंच डिनर ले जाना अलाउड नहीं है, आपको यहीं पे रह के जो है खाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि बच्चे किस हिसाब से यहाँ पे जो है अपना भोजन कर रहे हैं और किस हिसाब से यहाँ पे जो है माहौल होता है एक उसका, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस टाइम चल रहा है। मस्ती चलती है यहाँ पे, आप खाने की गुणवत्ता देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है यहाँ पे वो देख सकते हैं, और जनरली आप देखेंगे कि वेल डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स की तरह बच्चे जो है यहाँ पे खाना खा रहे हैं और आपस में बातचीत करते हैं। डिनर का टाइम जो है सर्दियों में 7 बजे से खाना स्टार्ट हो जाता है, और आपको हम थोड़ा जल्दी सुनाते हैं ताकि आप जो है आगे आगे फिजिकल जो है आपकी ट्रेनिंग जो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा क्या वीडियो के अंदर हमारी एकेडमी के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि आप जो हैं जो ही लॉकडाउन खुलता है और चीज़ें सामान्य होती हैं आप तुरंत जो है वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला में पहुँचे, आकर यहाँ पे जो है ट्रेनिंग करें और 3 दिन का जो है यहाँ पे डेमो लें और उसके बाद जो है यहीं पे रह कर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करें। जैसे कि मैंने बताया कोरोना के बाद हम लोगों की लाइफ जो है थोड़ा चेंज होने वाली है, थोड़ा क्या काफ़ी बदलाव आने वाले हैं इसके अंदर, तो आपने जो है सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप जो है अम्बाला कैंट में रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, हमें 7063910231 पर अपनी आने की डिटेल भेजें, गाड़ी के कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, आप कैसे आ रहे हैं बताएं। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी गाड़ी आपको लेने के लिए मौजूद रहेगी जो कि आपको लेके अकेडमी के अंदर आ जाएगी, तो आप आ सकते हैं। तब तक जो है आप अपने घर पर रह के तैयारी करिए, हमारे वीडियोज़ के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए और लगातार अपने आप को दिमागी तौर पर और फिजिकल तौर पर आप जो है इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयार करते रहें। तो तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।